28 जून 2009 में स्टीवन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किसी हॉल में एक खास पार्टी ऑर्गेनाइज्ड किए थे, और वो पार्टी किसी और के लिए नहीं बल्कि भविष्य से आने वाले समय यात्रियों के लिए थी। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करते समय वो किसी को भी नहीं बताए थे कि वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, और ना ही वो किसी को इनवाइट किए थे। पार्टी ठीक 12 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। सब कुछ पहले से ही रेडी था। उनकी नजर घड़ी की सुइयों पर थी। 12 बजते ही उन्होंने उस दरवाजे को देखा जहां से समय यात्री आने वाले थे, लेकिन आधे घंटे बीतने के बाद भी पार्टी में कोई समय यात्री नहीं आया। समय खत्म होने के बाद उन्होंने लोगों को पार्टी में इनवाइट किया, एक ऐसी पार्टी में जो कि पहले से ही खत्म हो चुकी थी। मतलब उन्होंने पार्टी पहले ऑर्गेनाइज्ड की है, फिर पार्टी खत्म होने के बाद लोगों को इनवाइट किया, ताकि अगर कोई 1000 साल बाद इस इनविटेशन कार्ड को देखे और वो टाइम मशीन बनाने में सक्षम रहे तो वो यह पार्टी जरूर अटेंड करेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई भी समय यात्री उस पार्टी में नहीं आ पाया? क्या यह इनविटेशन कार्ड आगे चलकर समय यात्रियों को मिलेगा ही नहीं, या फिर कोई इंसान टाइम मशीन बना ही नहीं पाएगा? ये चीज आज भी इस बात का सबूत है कि समय में पीछे यात्रा करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो स्टीवन हॉकिंग की पार्टी में कोई ना कोई जरूर आता।